गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट योर होम्स. टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट चैप्टर 8, रीच फॉर द टॉप. दिस चैप्टर हैज टू पार्ट्स. फर्स्ट इज संतोष यादव एंड सेकेंड वन इज मारिया शारापोवा. दीज टू वुमेन are very much determined and successful in their fields. So today I am going to tell you about Santosh Yadav. Santosh Yadav, she is the only woman in the world who has scaled Mount Everest twice. Duniya ki akeli aisi lady, mahila, जो माउंट एवरेस्ट पर दो बार जा चुकी हैं. एंड शी वॉज बॉर्न इन अ वेरी वेरी कंजर्वेटिव नैरो सोसाइटी इन हरियाणा, वेयर गर्ल्स वर नॉट वेलकम्ड. लड़कियों का आना कोई नहीं चाहता कि उनकी फैमिली में कोई गर्ल चाइल्ड आए. शी वॉज द सिक्स्थ चाइल्ड इन हर फैमिली. शी हैज फाइव एल्डर ब्रदर्स एंड शी वॉज बॉर्न इन द विलेज जोनियावास ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा. इन द विलेज जोनियावास ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा. ओके, शी वॉज ऑलवेज अ रिबेलियन. शी वॉज क्वाइट डिटरमाइंड कि मुझे मेरी लाइफ में कुछ करना है. She used to wear clothes like boys, or just because she was having five elder brothers, उसके पाँच बड़े भाई थे, इसलिए उन्हीं के कपड़े पहना करती थी और उनके जैसे खेल भी खेलती थी. She preferred shorts, यहाँ पर दिया है वो traditional बड़ा सा लहंगा and all those dresses, she doesn't like to wear all those things. उनको शॉर्ट्स पसंद थे जैसे उनके भाई पहनते थे. और हर पेरेंट्स वर क्वाइट वेल टू डू लैंड ओनर्स. बहुत अच्छी फैमिली थी, काफ़ी पैसा था, कोई कमी नहीं थी. बट एज आई टोल्ड यू she was born in a very conservative environment. That's why she was not allowed to go to the school outside her village. Or at the age of 16, at the age of 16, जब उनके गाँव की ज़्यादातर girls की शादी कर दी जाती थी उस एज में, तो संतोष वॉज ऑल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट्स कि आप भी शादी कर लो. बट शी हैज़ टू डू समथिंग मोर, समथिंग स्पेशल, कुछ करना था उनको. सो शी लेफ्ट हर होम, उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और एक दिल्ली में एक स्कूल में एडमिशन ले लिया. एंड हर पेरेंट्स रिफ्यूज टू पे, उनका खर्च उठाने से मना कर दिया उनके एजुकेशन का. तो उनकी पढ़ाई के लिए उन्होंने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि वी आर नॉट गोइंग टू पे फॉर योर एजुकेशन, और आपके खर्चे बाकी के भी हम नहीं देंगे. देन शी स्टार्टेड अर्निंग मनी बाय वर्किंग पार्ट टाइम. स्कूल भी जाती थी और पार्ट टाइम जॉब भी ज्वाइन कर लिया कि ठीक है आप मत दो. नाउ हर पेरेंट्स देन एग्री टू पे फॉर हर एजुकेशन. अब पेरेंट्स को लगा कि जब एक छोटी लड़की इतना ज़्यादा डिटरमाइंड हो सकती है कि वो अपनी पढ़ाई के लिए काम भी कर रही है, घर भी छोड़ के चली गई, देन दे स्टार्टेड
सपोर्टिंग हर, उन्होंने उसको पैसे देने शुरू कर दिए। नाउ शी वॉज ऑलवेज अ लर्नर और शी हैज शी ऑलवेज हैड एन अर्ज फॉर मोर एजुकेशन। तो पहले क्या किया, संतोष पास्ड हाई स्कूल एजुकेशन, फिर उसके आगे वो जयपुर चली गई एंड शी जॉइन महारानी कॉलेज और कस्तूरबा हॉस्टल में उनको एक जगह मिल जाती है रहने के लिए। आफ्टर दैट देन शी रिमाइंड्स कि जो कस्तूरबा हॉस्टल था वो अरावली हिल्स को फेस करता था, मीन्स वहाँ से अरावली हिल्स को आसानी से देखा जा सकता था। और वन डे शी सॉ सम विलेजर्स कि वो हिल के ऊपर, अरावली हिल्स के ऊपर जा रहे हैं और अचानक से गायब हो जा रहे हैं, वो दिखाई देना बंद हो जाते हैं। तो एक दिन इन्होंने सोचा कि जाके देखते हैं एंड शी वेंट देयर। तो वहाँ पर इनको दिखा कि वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं थे, कुछ माउंटेनियर्स थे, माउंटेनियर्स मीन्स जो पहाड़ चढ़ते हैं। और आई आस्क्ड इफ आई कुड जॉइन देम, तो उन्होंने बताया कि मैंने फिर उनसे पूछा कि क्या मैं आप लोगों के साथ आ सकती हूँ, मैं आपको ज्वाइन कर सकती हूँ। एंड टू माई प्लेजेंट सरप्राइज दे आंसर्ड इन द अफर्मेटिव एंड मोटिवेटेड मी टू टेक टू क्लाइंबिंग। और शी वॉज क्वाइट सरप्राइज्ड, उनको लगा नहीं था कि ये लोग परमिशन दे देंगे, बट दे परमिटेड हर, अफर्मेटिव मीन्स आंसर इज येस। और उसको मोटिवेट भी किया कि हाँ आप क्लाइंबिंग सीखो। एंड आफ्टर दैट देर वॉज नो लुकिंग बैक, उसके बाद उन्होंने बिल्कुल पीछे मुड़ के नहीं देखा। और ये जो डिटरमाइंड लड़की थी, इसने फिर क्या क्या किया, शी सेव्ड मनी एंड एनरोल्ड हरसेल्फ एट उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। यहाँ पर उन्होंने पैसे बचा करके अपना एडमिशन ले लिया, कहाँ पर, उत्तरकाशी के नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में। इसके बाद इनका जो कॉलेज का जो एग्ज़ाम्स थे जयपुर में, वो अप्रैल में एंड होने वाले थे, लेकिन किसी वजह से इट गॉट पोस्टपोन्ड और वो फिर ओवर हुए 19 मई को। और इनको उत्तरकाशी पहुंचना था 21 को, मीन्स 2 दिन बाद। तो ये घर भी नहीं गई, अपने पेरेंट्स को नहीं बताया, शी वेंट डायरेक्टली टू उत्तरकाशी। इसके बाद संतोष यादव की एक जर्नी स्टार्ट हो जाती है। उन्होंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेंटली और फिज़िकली स्ट्रांग थी, डिटरमाइंड थी, उन्होंने सोच रखा था कि उन्हें कुछ करना है। और यहाँ से शी नेवर लुक बैक, फिर तो वो हर साल एक एक्सपीडिशन पे जाती थी, मीन्स एक चढ़ाई चढ़ती थी। और उनकी जो क्लाइंबिंग स्किल्स थी वो बहुत अच्छी थी। और सिर्फ 4 साल बाद, जब उन्होंने वहाँ पर एडमिशन लिया, उसके 4 साल के बाद इन 1992 वो हार्डली एट द एज ऑफ 20 ईयर्स संतोष यादव ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर ली एंड शी बिकेम द यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू अचीव द फीट। सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली वुमेन, लेडी बन गई वो। एंड एवरीवन वाज सरप्राइज्ड एंड शी वाज क्वाइट गुड ह्यूमन बींग, वो बहुत अच्छी इंसान भी थी। इस 1992 का जो एक एवरेस्ट मिशन था, जहाँ वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, उस वक्त उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जो बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग नहीं करते, क्योंकि उनके पास वो एक अच्छा दिल नहीं होता, वो इतने अच्छे इंसान नहीं होते शायद, दे ऑल आर सेल्फिश मे बी। तो संतोष यादव ने एक क्लाइंबर को बहुत स्पेशल केयर दी, उनकी देखभाल की। और लेकिन वो ऑलमोस्ट ही वाज डाइंग, तो केयर की, बट अनफॉर्चुनेटली शी वाज अनसक्सेसफुल इन सेविंग हिम, वो उनकी जान नहीं बचा पाई। हाउएवर शी मैनेज्ड टू सेव अनदर क्लाइंबर मोहन सिंह,
लेकिन उनकी जान नहीं बचा सकी, कोई बात नहीं। लेकिन एक और क्लाइंबर थे जिनकी जान खतरे में थी, जिनका नाम था मोहन सिंह, ये उनको सेव कर पाई, उनको बचाया, और इन्होंने उनको बचाने के लिए अपना ऑक्सीजन तक उनके साथ शेयर किया। और विद इन नेक्स्ट 12 मंथ्स, जब 1992 में उन्होंने अपना पहली बार शी वेंट ऑन माउंट एवरेस्ट, उसके ठीक 12 महीने के अंदर, मीन्स विद इन 1 ईयर, उनको दोबारा एक मौका मिलता है। कहाँ से? इंडो नेपलीज वुमेंस एक्सपीडिशन, यहाँ पर उनको एक चांस और मिलता है, और इसके बाद वो वापस माउंट एवरेस्ट पर जाती हैं, एंड शी बिकेम द ओनली वुमेन इन द वर्ल्ड टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। और यहाँ पर इन्होंने सिर्फ एक इंसान की जान बचाने के अलावा एक और चीज़ की, शी इज ट्रूली इंडियन एंड एन इन्वायरमेंटलिस्ट टू। इन्होंने देखा कि ये माउंट एवरेस्ट के ऊपर हर जगह कचरा फैला हुआ है, तो इन्होंने वहाँ पर सफाई की एंड ब्रॉट डाउन 500 किलोग्राम्स ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालयस। सो विद दिस वी केम टू एन एंड, एंड आई विल मीट यू इन नेक्स्ट सेशन विद some more facts. Till then, thank you and goodbye.